अयोध्या में मंदिर बनवाओगे। भव्य विराट। ईटा का बना हुआ एक भी भव्य मंदिर दिखा दो। क्यों पांडे जी, मंदिर श्रद्धा से बनता है गया सिंह जी। वो तो हम देख ही रहे हैं। पहले राम को पूछता कौन था सिंघल और आडवाणी के सिवा? कितने मंदिर हैं यहां राम जानकी के? रामनवमी के अलावा और कहां है राम? देश रसातल में जाता है चला जाए, मगर आप अयोध्या जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कहां जाएं, मंदिर कहां बनाएं? रोम या इटली? अरे छोड़िए, देश कभी आपके एजेंडे पे था ही नहीं। आपका एजेंडा है राष्ट्रीय स्वाभिमान और गो संरक्षण। चुनावी मुद्दा ढूंढ रहे हैं आप लोग। तो वकील साहब, फिर आप ही बताइए कि मंदिर जन्म स्थान पर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? कोई प्रमाण पत्र है आपके पास कि रामलला वहीं जन्म लिए थे जहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं आप? क्यों राधे श्याम, कौन देगा प्रमाण पत्र? आप इतिहास को कटघरे में खड़ा कर सकेंगे? आप श्रीवास्तव जी, आप तो वकील हैं, सच्चे सफाई मांगने की आदत है आपको, कितनी बार सच को कटघरे में खड़ा करेंगे आप? तो जो आप कहें उसे ही सच मान लें। क्यों पाड़े जी? नहीं, पर जो आप कहें उसे हम मान लें। अरे अदालत की भी कहां मानने वाले हैं आप लोग? आस्था का फैसला अदालत कैसे करेगी भाई? देखिए देखिए, ये है इनका चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र। देश का कबाड़ा हो जाए लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे। अरे श्री राम, घर में कलह ना हो इसके लिए अयोध्या छोड़ दिए थे, लेकिन ये जन्म स्थान नहीं छोड़ेंगे। अरे कैसे छोड़ दें, प्रभु श्री राम ही तो कहे हैं, जन्मी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। समझे वकील साहब, जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। जय श्री राम। जय श्री राम होगा। ठाकुर बुद्धि यादव बल, झंडू हो गया जनता दल, 80 के आदिवासी करो कार सेवा की तैयारी। जय श्री राम। जय श्री राम। ये क्या हो रहा है पांडे जी, शहर बनारस अब हर हर महादेव की जगह जय श्री राम से गूंज रहा है। शहर बनारस ही क्यों, पूरा देश जय श्री राम की पुकार से गूंज रहा है और गूंजना भी चाहिए। आप भी अयोध्या चलने की तैयारी कर लें, राधे श्याम कार सेवकों को अयोध्या भेजने की व्यवस्था में जुटे हैं। लगता है राम का अयोध्या में रहना राम के भाग्य में लिखा ही नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? अब पहले घर वाले राम को अयोध्या से बाहर किए थे, अब उनकी प्रजा उन्हें बाहर करने की तैयारी कर रही है। तुम नया रामचरित्र लिख रहे हो क्या? प्रजा कब राम को बाहर भेजी? अरे एक वॉशरमैन के कहे राम जी सीता मैया को अयोध्या के बाहर भेज दिए थे, तो क्या राम खुद ही अयोध्या में रह गए थे? मंदिर मस्जिद की लड़ाई राम को फिर से वनवास देगी। अरे और तो और, जिनके हृदय में केवल श्री राम बसते थे ऐसे तुलसीदास को ये राम भक्ति अयोध्या के बाहर किए थे। अरे पाणा जी, आप तो इतिहास जानते हैं ना। अबे बोधे दे रहे हो भोसड़ी के, ना जाना है मत जाओ। कौन बलजबरी कर रहा है? पर राम कहाँ रहते हैं, उन्हें कहाँ रहना चाहिए वो हमें ना सिखाओ। सुनिए महाराज। बोल बच्चा। यहाँ क्या उखाड़ रहे हो, अयोध्या जी क्यों नहीं चले जाते? देखो अगर रास्ते में पकड़े गए तो बढ़िया बढ़िया पूड़ी कचौड़ी मिठाई मोहन भोग मिलेगा, और अगर कहीं राधेश्याम की सरकार आ गई तो जैसे स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन मिलती है वैसी ही पेंशन भी मिलेगी, और कहीं लाठी गोली खा कर टाइम भूल गए तो सारा कहीं गया नहीं है। भोसड़ी के इस 80 पर दांत निपोरे गली गली घूम रहे हो, विश्वास ना हो तो पूछो राधेश्याम से। क्यों राधेश्याम? हर हर महादेव। क्या तुम भी? हम परसों कार सेवकों का एक जत्था लिए अयोध्या जा रहे हैं, 10-12 लोगों के लिए पूरी सब्जी बना देना। यहाँ दान दक्षिणा सीधा आटा चावल पे जी रहे हैं और आप भंडारा खोल रहे हैं। अरे क्यों जाना है अयोध्या? घर बैठिए, राम का नाम लीजिए, बनाए जिसे मंदिर बनाना है। पागल भाई हो क्या? जब देश के कोने कोने से लोग कार सेवा के लिए जा रहे हैं तो हम घर कैसे बैठे रहे? हो सकता है गिरफ्तारी भी देनी पड़े। गोली गंडा सा भी चल सकता है, कर दीजिए हमें विधवा और बच्चों को अनाथ। खुद तो रंडवे थे ही। क्या नाप शनाप बोले जा रही हो? अरे तिवारी नहीं जा रहे, उपाध्याय नहीं जा रहे, 80 के और भी लोग नहीं जा रहे, आप जरूर जाएंगे। कार
सेवा का इतना ही शौक है तो घर घर जाइए, बढ़िया से राम कथा कहिए, घर घर में राम बिठाइए, कौन रोकता है? आंदोलन तो तब होगा ना। हम तुमसे बहस नहीं करना चाहते, और एक बात कान खोलकर सुन लो हमारी, ये हमारे लिए आस्था का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है, और उससे हम कोई समझौता नहीं कर सकते। करिए महाराज, नशा बढ़ रहा है। भांग से ज्यादा धर्म निरपेक्षता का नशा है, जल्दी नहीं उतरेगा। अयोध्या से क्या लाएं तुम्हारे लिए? सबको अभय देती हुई राम और जानकी की तस्वीर। सादर सी प्रसाद सिर धरियो, बोली कारी हर शोही भरियो, सुन सी सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिली ही जाही मनु राचा, मन जाही राचे हो नहीं सोबर सहज सुंदर सादा, करुणा निधान सुजान सीर सहन हो जान पर मस्जिद पर भगवान लहराया। चारों लाठियां और गोलियां चल रही थी, पांडे जी सीना तान कर आगे बढ़ रहे थे, पर भोसले वाले ने पैर पर गोली मार दी। ओहो, साले का निशाना ठीक नहीं लगा। अरे यार हद है। अरे निशाना ठीक कैसे लगता, अभी तो अस्सी की छाती पर इनका मूंग डलना बाकी है।